देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तेरी करुण करा हमारे कानों से टकराई, वीर देश की माटी हमने तेरी शपथ उठाई, तेरी शपथ उठाई। कर ज्वार चढ़ा है वही प्यार फिर से प्राणों में बन कर ज्वार चढ़ा है। तेरे हर कण में अनुपम की तेरी शक्ति दिखाई, वीर देश की माटी हमने तेरी शपथ उठाई, तेरी शपथ उठाई। तेरे हर कण में अनुपम की तेरी शक्ति दिखाई, वीर देश की माटी हमने तेरी शपथ उठाई, तेरी शपथ उठाई। तेरी करुण करा हमारे कानों से टकराई, कानों से टकराई। आत्मीय परिजनों, आज गंगा दशहरा है और गुरु जी की पुण्यतिथि भी है, गायत्री जयंती भी है। कहते हैं कि आकाश से गंगा अवतरित हुई, भागीरथ ने तपश्चर्या की, जो सगरसुत मूर्छित पड़े थे उन्हें फिर से चेतना देने के लिए माँ गंगा अवतरित हुई और भागीरथ के हवाले कर दिया गया। कहते हैं कि इसका वेग कौन सा रहेगा, गंगा के वेग को कौन सा आएगा। उन्होंने कहा कि शंकर जी सहेंगे, और शंकर जी ने अपनी जटाओं को खोल दिया और उसी में से कहते हैं कि गंगा वहीं से प्रवाहित होती रही। अब ये तो मालूम नहीं है कि वहाँ से हुई या कहाँ से हुई, आकाश से गंगा आती हुई तो हमने नहीं देखी, सुना भी नहीं। पर एक बात बिल्कुल सही है कि जो सूक्ष्म तरंग हैं, जो विद्युतीय तरंग हैं, वो आकाश की जरूर आती हैं और व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, इसमें दो राय नहीं है। एक शंकर पैदा हुए जिन्होंने कि भागीरथ को सौंप दी गंगा और कह दिया कि चलो बा, अब तुम्हारा ये कर्तव्य होता है। मेरा कर्तव्य था, मैंने पूरा कर दिखाया और मैंने उसके वेग को सह लिया, उसके वेग को धारण कर लिया, अब तुम्हारी बारी है
कि घर घर में जाकर के इस गंगा का प्रसार और प्रचार आप करना। वही बात हुई, एक शंकर पैदा हुआ, एक वीतराग उस भूमि में जिसकी रज की आज आपने शपथ ली है। वो वीतराग शंकर तपस्वी जिसका कि गृहस्थ जीवन भी था, बच्चे भी थे, माँ भी थी, घर भी था और साथ में काने कुबड़े जिसको कि उन्होंने अपना परिवार कहा, लाखों को नहीं करोड़ों को बल्कि सारी वसुधा को उन्होंने अपना समझा और उसकी पतन और पीड़ा से वो कराहने लगे और उन्होंने वो कार्य किया जो उनको करना चाहिए था। क्या कार्य किया? आज गायत्री जयंती है, गायत्री को अवतरित किया, अपनी में उन्होंने धारण किया। आज के दिन उन्होंने गायत्री माता को अपने हृदय में धारण किया। कहते हैं, सुना है, प्राणों में भी पढ़ा है कि कोई ब्रह्मा नाम के पुरुष हुए और उनके दो स्त्रियां थीं, एक का नाम था सावित्री, एक का नाम था गायत्री। सावित्री माने पदार्थ और गायत्री माने भावना। जब वो दोनों पदार्थ जब मिल जाते हैं तो उससे अद्भुत कार्य होने लगते हैं। ब्रह्मा नाम के कोई पुरुष हुए होंगे और उन्होंने गायत्री और सावित्री से शादी की होगी और सावित्री ने शाप दिया होगा और फिर विश्वामित्र वशिष्ठ ने उसका छुटकारा किया होगा। छुटकारा नहीं किया था बल्कि उनको बाध्य किया गया था कि आप किलित कर दीजिए ताकि इसका नामो निशान ना रहे। अब वो गर्त में पड़े रहे, दबी रही, वो कान तक सीमित हो गई, ब्राह्मण तक सीमित हो गई, वो उच्चारण तक नहीं ले सकते थे कि गायत्री मंत्र का उच्चारण लेंगे। उच्चारण कैसे लेंगे? गायत्री मंत्र को स्त्रियां पढ़ेंगी वो नरक में जाएंगी। क्यों साहब? माँ को बेटी का अधिकार नहीं है? माँ के प्रति बेटों का ही अधिकार है क्या? ब्राह्मणों का ही अधिकार है क्या गायत्री मंत्र जपने का? नहीं। उन्होंने उस वेग को संभाला और उस वेग को धारण किया और धारण करके उन्होंने अपनी माँ का उद्धार किया। जन जन की गायत्री बना दी उन्होंने। जन जन नहीं बल्कि हर वर्ग की, हर कौम की उन्होंने गायत्री माता बना दिया। अर्थात जो मूर्छित पड़ी थी, जो किलित थी, वो थी शापित थी, उनको निकाल लिया। विश्वामित्र माने जो विश्व का मित्र हो और वशिष्ठ माने सेवा, जो दोनों की संगति है, जो सारे विश्व को अपना मित्र मानता हो वो विश्वामित्र और वशिष्ठ, वशिष्ठ माने वशिष्ठता, जो सेवा करने में सक्षम है वो वशिष्ठ। उन दोनों से गायत्री को उन्होंने प्राप्त कर लिया। उतनी उन्होंने साधना उपासना
आराधना की कि उसके द्वारा उफलित होती रही। लोगों को आश्चर्य होता रहा कि एक नगण्य सा प्राणी जिसको के तोला जाए तो दड़पा हड्डी निकलेंगी, उसके अंदर इतनी शक्ति का भंडागार भरा है, जो इतना दिलेर, इतना साहसी, इतना उदार, इतना प्रेमी के जन जन को उन्हें गले से लगाया। हर व्यक्ति ये कहता हुआ आया कि गुरुजी हैं तो केवल मेरे ही हैं। कोई पिताजी कहते थे, कोई आचार्य जी कहते थे, जो उनके कांग्रेस आंदोलन के थे वो उनको मत जी कहते थे, लेकिन सबका एक ही स्वर था। आज से एक साल पुरानी बात है, सवा डेढ़ साल हो गया कि मैंने टीवी पे एक का स्वर सुना और मैंने ये सुना कि मेरा एक मित्र था जिसका नाम मत जी था, पता नहीं अब कहाँ है। मैं एकदम चौंकी, वैसे मुझे कोई शौक नहीं है देखने का, पर मैं एकदम चौंक करके मैंने देखा, वो भी सम उम्र के ही थे जो बोल रहे थे। उन्होंने कहा बस मेरा एक ही मित्र था, ऐसी मित्रता, ऐसा भाईचारा, ऐसा एक अपना परिवार जिसमें आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को उन्होंने छाती से लगाया और ये कहा बेटे गायत्री मंत्र में महान शक्ति छिपी पड़ी हुई है, गा माने प्राण, त्र माने त्राण करने वाला, त्राण करने वाला है इसको, जो अंतःकरण से जो सुमिरण करेगा उसको गायत्री फलित हो। झूमने वाले को नहीं होगी। मैं एक बार क्या हुआ, गुजरात गई गुरुजी के साथ, अन्य जगह भी गई, यहाँ भी लोग आते हैं, कहते हैं माता जी हमारी कुंडलनी जागृत नहीं होती है तो हमें गायत्री माता दिखाई ही नहीं पड़ती है। तो मैं कहती बेटा सिनेमा चला जा, तू माँ गायत्री माता को देख आना, चलती फिरती दिखाई पड़ेंगी तुझे, उसमें थालियों में भोजन उड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, मुँह में देता हुआ दिखाई पड़ेगा, यहाँ तो गायत्री माता का अर्थ ही दूसरा है, यहाँ तो गायत्री मंत्र का अर्थ ही दूसरा है, यहाँ पुरुषार्थ का है, यहाँ भावनाओं का है, यहाँ श्रद्धा का है। आप तो आकाश में उड़ते हैं ना, आकाश में मत उड़िए, धरातल पर रहिए। तो मैंने क्या देखा, यज्ञ हो रहा था, हजार कुंड यज्ञ राजकोट में हो रहा था, मैं साथ में गई, अपार भीड़ थी, बहुत भीड़, इतनी जबरदस्त भीड़ कि मैं आपसे क्या कहूँ। और उस भीड़ में हमको पूर्णाहुति के लिए ले जाया गया कि गुरुजी माताजी के द्वारा ये पूर्णाहुति होगी, हम दोनों यानी पहुँचे। अब मैं पहुँच कर के जो मैंने दृश्य देखा तो मैं दहल गई। अब मैंने कहा यही विश्वास है, ये गायत्री माता के प्रति और गायत्री मंत्र के प्रति यही विश्वास है, यही श्रद्धा है, तो हम इस श्रद्धा को मानने से इनकार करते हैं। ये विश्वास है कि जहाँ लड़का झूम रहा, खूब खेल रहा और उसकी पत्नी और उसकी माँ उसकी पीठ को तोप रहे खूब जोर जोर से, गोरा चिट्टा था सुभाष हर उस हाथ के साथ और लाल पड़ती आवे उसकी पीठ, यानी कि एक तो पागल था ही, ये दो पागल और मिल गए, एक माँ पागल एक पत्नी पागल, दोनों इस बात में सहयोग कर रही हैं। ये नहीं कि उसको ये समझावे कि ये तुम जो पागलपन कर रहे हो ये पागलपन है तुम्हारा, कहीं ऐसे झूमना आता है, ऐसा आया होता तो हमारे ऊपर तो जाने कितना आया होता, दिखावा नहीं होता है, पागलपन नहीं होता है, विचित्रता नहीं होती है, वो जो ग्रहण शक्ति की जाती है उससे हमारी ऊर्जा बनती है, उससे हम शक्तिशाली बनते हैं, और जब शक्तिशाली बनते हैं
तो शक्ति को हम जन जन में फैलाते हैं, ये कौन सा तरीका है। मैंने कहा साहब चलिए, ये तीन तो झूम रहे हैं, हमें न तो झूमना है यहाँ और न घुट के मरना है। एक तो धुआं जोर का और गर्मी के दिन, मैंने कहा हम और आप चले साहब, जान बचानी है, मैं तो और काम करना, चलो आप। मैं गुरुजी को पकड़ के और ले आई, क्योंकि मेरा कहना वो मान लेते थे। उन्होंने कहा कि ये लोग क्या कहेंगे, मैंने जो कहेंगे सो कहते रहेंगे, पर हमें इस भीड़ में नहीं रहना, इस स्वांग में कौन विश्वास करेगा। आप करते हैं क्या विश्वास? उन्होंने कहा मैंने तो जिंदगी भर नहीं किया, जिंदगी भर नहीं किया तो फिर हम कैसे विश्वास करेंगे। चलिए हम यहाँ से चलते हैं। तो हम वहाँ से लौटे आए, लौटे आए तो हमें ये पश्चाताप हुआ कि यदि यही गायत्री है, यही मंत्र है, यही इनका उद्देश्य है, यही इनका लक्ष्य है, तो फिर इन्हें सिखाने से फायदा क्या। हमें तो जन जन तक उसे पहुंचाना भी है और जन जन को उठाना है, पवित्रता इसको देनी है, इसका आलस्य प्रमाद हमको छुड़ाना है और जन जन की हमको सेवा करानी है। हमें तो सारे विश्व में इस विचारधारा को फैलाना है, न कि ये स्वांग करनी है। ये स्वांग हमको पसंद नहीं है। एक बार की मुझे याद आ गई कि हम और गुरुजी ध्यान कराने जाते थे यहीं शांति कुंज में, तीन सेट में ध्यान कराते थे, हम दोनों ही साथ में जब जाते थे, कहीं भी जाते थे हम दोनों साथ ही रहे और साथ ही रहे और साथ ही रहेंगे। शरीर नहीं है तो नहीं है, पर अंतरात्मा जीवात्मा बिल्कुल साथ में है। तो हम दोनों गए और ध्यान करा रहे थे, उसमें एक लड़का कुछ उचका, वो यों यों कर हिले। मैं देख रही थी, गुरुजी तो बोल रहे थे और मैं उसे देख रही थी और जैसे ही मैं उतरी मैंने ऐसी डांट लगाई उसमें, जोरदार डांट लगाई। मैंने दिखावा कर रहा है तो तुझे गई थी, मैं तो सिरा रही हैं, तुझे सिद्ध हो गई हैं, सबूत तो सीख पहले, तेरे ढंग है ऐसे गायत्री माता को ग्रहण करने के। कल से मैंने पागल पंथ दिखाया, लाइन से अलग हटा दूंगी। फिर वो भूल गया, फिर नहीं वो हिला जरा भी, एक दिन भी नहीं हिलाओ। तो उसका दिखावा था कि नहीं था कि आइए हमें देखिए हम कितने बड़े तपस्वी हैं। बहुत से ऐसे होते कभी पाँव नंगे, कभी हाथ नंगे, तो कभी बदन नंगा, इससे तपस्वी लगेगा, इससे तपस्वी नहीं लगेगा। और न वो तपस्वी है, न मानने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो धुनी रमा ले और चाहे वो तिलक लगा ले और चाहे जो कर ले, पर हम तपस्वी मानने के लिए तैयार हम तो है होंगे। कोई तपस्वी तो वो है जो स्वयं तपता है, जिस तरीके से आग में सोना तपाया जाता है और तपा करके नाना प्रकार के आभूषण बनते हुए चले जाते हैं। वो नाना प्रकार के आभूषण बनाता है कौन, जो तप चुका है। आभूषण माने जो आप सब बैठे हैं, आप सबको निखारा गया, तपाया गया, इस लायक आप बने हैं जो आज बैठे हैं। आपको तपाया गया है, समय समय पर झकझोरा गया है और झकझोरते ही रहेंगे। हम जानते हैं कि आपने जितनों ने शपथ ली है शायद इसमें से चौथाई निभा पाऊँ, मुझे कहने दीजिए, मुझे जरा भी संकोच नहीं लगता, चौथाई निभा पाऊँ और तीन छ तीन हिस्सा वैसे ही चला जाए, हो सकता है ऐसा। और ये भी हो सकता है कि जितने आप आए हैं मैं क्यों आपका अपमान करूँ, नहीं बेटा मेरा अपमान करने का मन नहीं है, क्योंकि मेरे तो आप बच्चे हैं, मैं बच्चों का अपमान क्यों करूंगी, क्या मतलब है मेरा अपमान करने का। आप पूरे ही जिन्होंने शपथ ली है, पूरों ने जो शपथ ली है वो संभव है कि आने वाले समय में भारतीय संस्कृति को जन जन तक, राष्ट्र तक और सारे विश्व तक वो फैलाएंगे। अभी ये शपथ समारोह हुआ है, अगले 95वें में
युग संधि पुरुषण का पूर्णावती होगी, फिर सन 2000 में पूर्णावति होगी। कहाँ करेंगे ये तो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि हम सारे देशव्यापी करेंगे अथवा यहाँ बुलाएंगे। यहाँ तो उतने नहीं आ पाएंगे लाखों, हम समझते हैं कुछ को यहाँ बुलाएंगे और बाकी का सारे देश में उसको बिखेर देंगे। हर जगह पूर्णावति ये होंगे सन 2000 तक। 21वीं सदी आएगी तब जब आपका अंतःकरण, आपकी मन स्थिति बदल जाएगी, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि 21वीं सदी ना आएगी। हम तो 21वीं सदी से पहले ही हम तो बैठे हैं, पहले ही आनी चाहिए। सन 2000 का कौन अभी 8 वर्ष 10 वर्ष 9 वर्ष देखे, 92 है और अभी तो 8 साल है। 8 साल बैठे रहेंगे क्या? नहीं, हमें चुपचाप नहीं बैठना है। 8 वर्ष तक हम तहलका मचाते हुए सारे देश में, सारे विश्व में छा जाएंगे। जिस तरीके से भगवान बुद्ध का जो उन्होंने एक अपना संगठन बनाया था और सारे विश्व में, सारी एशियाई देश सब फैलते हुए चले गए, सारे फैलते हुए चले गए। गिने गिनाए उनके शिष्य थे, संघमित्रा, अशोक, महेंद्र और 2-5 होंगे उनके, लेकिन 2-5ों ने ही सारे विश्व में उनकी, भगवान बुद्ध की वाणी को पहुंचा करके रहे। और जगह जगह उनके मठ देखे जा सकते हैं, जगह जगह उनका संप्रदाय देखा जा सकता है। इसी तरीके से रामकृष्ण मिशन बना तब जब परमहंस नहीं रहे, उसके बाद विवेकानंद ने सारे विश्व में रामकृष्ण परमहंस को फैला दिया। वो शपथ आपने ली है और वास्तव में वो रामकृष्ण परमहंस ही थे। आज नहीं है तब मैं कह रही हूँ। लोग कहते हैं अरे साहब ये अपने मुंह बड़ाई करते हैं, अपने मुंह बड़ाई नहीं करते। आप क्या जानते हैं, आप साथ रहे हैं क्या? आप साथ नहीं रहे, साथ मैं रही हूँ उनके। तो मैं निकट से जानती हूँ कि आप जानते हैं? आप नहीं जानते, आपने केवल शरीर देखा है, उनका अंतःकरण नहीं देखा, झांक के उनके अंदर नहीं देखा, हमने उनके अंदर देखा है। रामकृष्ण परमहंस जैसा भोलापन और उनकी जैसी श्रद्धा, जिसने के काली को भी एक काले पत्थर को और काली बना लिया था, उन्होंने गायत्री मंत्र के द्वारा एक गायत्री माता को प्रकट किया और सारे संसार में उन्होंने फैला दिया। ये कौन है रामकृष्ण परमहंस नहीं तो बताइए। एक बार की मैं घटना आपको सुनाती हूँ। घटना तो क्या, वो चर्चा ही थी कि बार बार वो उल्लेख करते थे। उन्होंने मुझसे कहा, वैसे 3-4 साल पहले उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी पढ़ी है तुमने? मैंने कहा हाँ साहब, पढ़ी भी है मैंने और सुनी भी है। इसका तात्पर्य क्या है? आप मुझसे कभी तो कहते नहीं थे, आज आप क्यों कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ? मैंने क्या बता रहे हैं कि मैं तुम्हें पढ़ कर के सुनाता हूँ। मैं क्या पढ़ के सुनाएंगे? आँखें मेरी ठीक हैं, पहले इतनी मेरी नहीं थी, वो अब तो थोड़ी कमज़ोर हैं, तब कमज़ोर नहीं थी। मैंने कहा साहब मैं पढ़ लेती, मैं आपको सुना दूँगी, आप मुझे काहे को तकलीफ करते सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस नहीं रहे तो 30 साल तक शारदा मणि ने सेवा की थी। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, करनी चाहिए थी, उनकी सहधर्मिणी थी, जब उनकी पत्नी थी तो उनका कर्तव्य था जो उनको करनी चाहिए। ये बात खत्म हो गई, दूसरी बात चालू हो गई। उन्होंने कहा एक और था शारदा मणि के अंदर,
एक विशेषता थी। विशेषता क्या थी? माँ थी, उनको गुरु कहते थे, उनको पिता कहते थे, उनको माँ तो कहेंगे ही, और क्या कहेंगे। मैंने कहा, मैंने ये तर्क किया, उन्होंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस जब चलने लगे तो उन्होंने ये कहा कि देखो तुम अपने स्वरूप को मत बिगाड़ना। वो रोज तो महावर लगाती थी, चूँकि बंगाल में महावर लगाने की ज़्यादा प्रथा है, एक मांग भरने की और बिंदी लगाने की, ये ज़्यादा है, हर सुहागिन स्त्री लगाती है उसको। उन्होंने कहा कि उन्होंने अंत तक नहीं छोड़ा। मैंने कहा साहब अंत तक नहीं छोड़ा, ठीक बात है, नहीं छोड़ा होगा। मैंने बात आई गई कर दी। उन्होंने इस बात को कई बार रिपीट किया, कई बार रिपीट किया, तो बस भीतर से मेरा मन रो पड़ा। मैंने कहा आज आप मेरे साथ ऐसा क्यों करो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि ये शरीर अब जाने वाला है। मैंने कहा क्यों, कोई रोग है आपको? मेरे तब्बी घुटने काम नहीं करते। और मैंने कहा आपका तो सारा शरीर काम करता है, आप तो मैंने की जवानों से भी मात कर देंगे, फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, अब हमारे मिशन की जवानी आई है और हमारे जाने के दिन आ रहे हैं। अगर ना ऐसे मत कहिए, मेरे दिल को चोट पहुंचती है। उन्होंने कहा चोट पहुंचे पर तुम्हें सुनना पड़ेगा, ये वास्तविकता है। मैं तुम्हारा दिल और दिमाग को बनाना चाहता हूँ ताकि पीछे तुम्हें कोई परेशानी ज़्यादा नहीं हो। आप जानते हैं कि पति के बगैर पत्नी अधूरी है, चाहे बेटे हो चाहे बेटी हो, पति अपनी जगह पर है। मेरा तो वो पति भी नहीं थे, बल्कि मेरे तो भगवान ही थे। मैंने उस रोज कहा था, मैंने कहा मैं गिरधर की मीरा और राम की सीता, ठीक है मुझे कुछ दिन के लिए वनवास मिल गया है, पर अंततः तो मुझे उन्हीं में विलीन होना है। इसमें दो राय नहीं है, और इसमें दो राय भी नहीं है कि ज़्यादा दिन देखेंगे। मैं तो अपने बच्चों से एक ही बात करती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन को कमज़ोर करें, कमज़ोर नहीं बल्कि और दृढ़ता से, कि हमारी माँ जो शब्द कह रही है इसको गहराई से सुनिए और समझिए और उस रास्ते पर चलिए, आगे की पंक्ति में आइए पीछे की पंक्ति में नहीं। यों कभी कभी रोना हमको भी आ जाता है, आखिर मानवीय तो हैं। फिर भी हमने जो शपथ ली, हमने जो वचन दिए, वो हमने पूर्णता निभाए और आगे भी निभाते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में प्राण है, चेतना है, सांस है, तब तक ये शरीर नहीं, बिल्कुल नहीं थकेगा। बच्चे कभी कभी ना समझी कर जाते हैं, नहीं आप लेट जाइए, नहीं आप ये खाइए, आप वो खाइए, और ऐसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा, यानी इस शरीर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं आपको एक अपना एक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। कौन सा? इस तरीके का, जैसे एक महिला हुई है विदेश में, नाम मुझे ज़रा कम याद है, तो उसका विवाह दिन आया, वो क्लिप लगाती थी, मेरी नाम था उसका, क्लिप लगाती थी, और उसके पति को घड़ी की चैन की ज़रूरत थी, उसके पास चैन नहीं थी, चैन के बगैर उसकी घड़ी बेकार। तो क्या किया फिर उसने? ये किया कि पति गया, अपनी घड़ी बेची और अपनी पत्नी के लिए वो क्लिप लेकर के आया, घड़ी बेच करके। पत्नी ने सोचा कि मेरे पति के पास
गाड़ी की चैन नहीं है। वो गई और उसने सारे बाल अपने कटा करके और वो घड़ी की चैन लेकर के आई। सर से रुमाल बंधा हुआ था और वो जब क्लिप लेकर के आया तो उसने मैं कहा कि मेरी मैं क्लिप लेकर के तुम्हारे लिए आया हूँ, आज तुम्हारा विवाह दिन है, लाओ मैं अपने हाथ से तुम्हारे ये क्लिप लगाता हूँ। उसने कहा मैं आपके लिए चैन लाई हूँ, मैं आपके हाथ में आज मैं अपने हाथ से चैन मांगूंगी। न उसके बाल थे न उसकी घड़ी थी, आँखों ही आँखों में वो प्यार बरस पड़ा, प्रेम के आंसू बरस पड़े और एक दूसरे लिपट गए। धन्य है वो जीवन, हमारा भी ऐसा ही रहा। सारे खाती भंडार वाले ये जानते थे कि गुरुजी दो बार आते हैं खरीदने के लिए, जबकि मैं मना करती थी कि मेरे पास कोई कमी नहीं है, हैं कपड़े मेरे पास। उन्होंने कहा हुआ कर, होने से क्या मतलब, चलो साथ चलते हैं। हमारी ये लड़कियां बैठी हैं, कई पुरानी लड़कियां, इनसे पहले ही से विरोध में कहा करते थे, छोरियों तुझे मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है कल माता जी का जन्मदिन है ना, क्या क्या बनेगा जरा बताना। और फिर कहते थे देखो कल तुम्हारी माता जी का विवाह दिन है, तो मैं कहती थी मैं काय को, अब बुढ़ापे में शर्म तो शर्म आनी चाहिए बच्चियों के सामने, ऐसे काय को आप कह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, नहीं है तुम्हारा विवाह दिन। तो मैं यह कहती थी फिर आपका नहीं है क्या, मेरा ही है, आपके साथ शादी मेरी हुई थी, आपका नहीं है मेरा ही है। ऐसी हंसी विनोद चलता रहता था और खादी भंडार पर ले जाके खड़ा कर देते थे, अपने आप लेकर के आते। इन चीज़ों का कोई महत्व तो नहीं है, मैं तो एक सहजता की बात कह रही हूँ, मैं तो उस प्यार की बात कह रही हूँ जिनका के प्यार समर्पित था। हमारा भी वही रहा, एक दूसरे के लिए हम ऐसे रहे इतने समर्पित, दूध और पानी की तरीके से। दूध और पानी तो फट जाता है लेकिन हमारे अंतःकरण कभी नहीं फटे, कोई दिन हमको ऐसा याद नहीं है कि हम कभी रो कर के सोए हो, नहीं, या हम में से किसी ने रोटी नहीं खाई हो, ऐसा नहीं होता था, नहीं। समय पर खाना, समय पर सोना, मैं जरा ज़्यादा भावुक हूँ तो वो फौरन ये कहते थे कि नहीं भावुकता का कोई काम नहीं, सो जाओ चुपचाप, कोई परिस्थितियाँ हैं मिशन संबंधी या कुछ, इतना बड़ा मिशन है परिस्थितियाँ तो होंगी होंगी, इतना कुनवा लेके बैठे हैं। तो ये कहते थे कि ये समझ के सो, शांति कुंज नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल आराम से सो, कोई चक्कर नहीं, और जिस करवट सोते थे उसी करवट उठते थे। ऐसे वो बीत रहा, इसे कोई लगाव नहीं, जहाँ से छोड़ के आए फिर पलट के नहीं देखा, मथुरा को छोड़ कर के आवलखेड़ा को छोड़ के आए, फिर शायद जमीन को देखने गए, एक घंटे रुके बस, और एक घंटे रुक के उन्होंने कहा चलो यहाँ से। फिर मथुरा छोड़ा, स्टेशनों पर जाते थे, घर के बच्चे कहते थे, लीलावत जी कहते थे गुरुजी जरा चलिए, अब देखिए गायत्री तपोवन कितनी बढ़ गई है, कितनी आपकी कृपा से हमने इतना बढ़ा लिया है। उन्होंने कहा बढ़ा लिया है, बहुत खुशी है, मैं तो दिव्य दृष्टि से वैसे ही देख लेता हूँ, पर मैं जाऊँगा नहीं। वो लौट के नहीं गए, आगे कदम बढ़ाया उन्होंने, पीछे को कदम नहीं, पीछे कदम नहीं गया। हिमालय तो गए चार बार, तो हिमालय में तो उनका जीवन रहता ही था, हमेशा
चिंतन उनका उधर ही रहता था, विश्वव्यापी चिंतन जो लोक मंगल के लिए हमें क्या करना है, बाकी का उनका अपने गुरुदेव के प्रति, हिमालय के प्रति, चूँकि हिमालय में उन्होंने तपश्चर्या की, वहाँ से अपना ज्ञान प्राप्त किया है, वहीं उन्होंने चारों वेदों का अनुवाद किया, वहीं सब उन्होंने किया, तो वहाँ के प्रति उनको बहुत लगाव था, जिसका कि शुभारम्भ हमने देवात्मा हिमालय का कर दिया है। यानी कि जहाँ उनका लगाव था वही हमको ला करके इसमें रखना है, वही हम बनाने इसको जा रहे हैं। हमारे पास कमी पड़ेगी तो पड़ेगी, भगवान से मांगेंगे और उस काम को पूरा जरूर करेंगे। पूरा तो हर हालत में हमको करना है, अपने प्राण और प्रण से उसको पूरा करना है, जो कि हमें ये रास्ता बता करके गए हैं। ऐसा प्रेरणा का स्रोत अब कहाँ मिलेगा, जो हमको हर क्षण जो प्रेरित करता था। शक्ति अभी भी विद्यमान है, ये मत समझना कि शरीर चला गया शक्ति चली गई, नहीं, शक्ति चली गई होती तो आज तुम इतने जने नहीं बैठे होते, बिल्कुल नहीं बैठे होते। यहाँ शक्ति विद्यमान है और शक्ति बनी रहेगी, 2000 तक तो है ही है। मैं तो ये कहती हूँ कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी गायत्री माता रहेंगी, और गायत्री माता रहेंगी तो हिंदू धर्म रहेगा, और हिंदू धर्म रहेगा तो स्वच्छ परंपराएं पड़ेंगे, संस्कार आएंगे जो जरूर आएंगे। उनका जो जीवन था बड़ा पवित्र और निर्मल था, फेंक दिया तो उतार के फेंक दिया, उस तरीके से फेंक दिया। दास कबीर जतन सौ ओढ़ी, दास कबीर जतन सौ ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया, जो की त्यों धर दीनी चदरिया, भीनी भीनी दीनी चदरिया, दास कबीर जतन सौ ओढ़ी, दास कबीर जतन सौ ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया, जो की त्यों धर तीनी चदरिया, भीनी भीनी झीनी चदरिया। उन्होंने तो अपने उस शरीर रूपी चदरिया को पाक साफ, कभी की तरह कोई दाग नहीं, धब्बा नहीं, जो कि त्यों उतार के रख दी। और आज के दिन गायत्री माता की गोदी में समा गए और सो गए, चिर निद्रा में। जब ये गीत गाया जा रहा था तो मुझ पर रुका नहीं गया, क्योंकि वो समय निकट आता जा रहा है, मैं ख़त्म पहले ही कर दूंगी। वो समय निकट आता जा रहा है कि जब उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा था, गीत गाया जा रहा था, मैं स्टेज पे थी, पूछा माता जी कहाँ हैं, माता जी गुरु जी स्टेज पर हैं। माँ से जब मैं आ रही थी तो पहला गीत गाया जा रहा था, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, और बस वो शीश सदैव के लिए
झुकता हुआ चला गया, झुक गया। उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया, अपनी माँ की गोदी में विराम भी ले लिया, अपनी माँ की सेवा भी कर ली, अपनी माँ को पहुँचा भी दिया, और शंकर रूपी जो उन्होंने धारण किया था, अब तो आ गया है आप लोगों का नंबर, जो आप भागीरथ बैठे हैं, ये भागीरथ अब उस ज्ञान गंगा को घर घर पहुँचाएंगे, जहाँ के मानव जाति मूर्छित है, मानव जाति मूर्छित है, अज्ञानता में है। अज्ञानता यदि व्यक्ति में न हो तो अवांछनीयता क्यों पनपेंगे, अज्ञानता कहेंगे, अज्ञानता है। इस अज्ञानता को मिटाने के लिए हमें घर घर जाना पड़ेगा, न हम किसी संप्रदाय को छोड़ेंगे, न हम किसी घर को छोड़ेंगे, हमको जाना, हमें परवाह नहीं है। किसी बच्चे ने कुछ ऐसे ही कह दिया, उस बात का उल्लेख नहीं करूँगी, ऐसे कोई अपने परिजन थे, तो मैंने ये कहा, देख मौत का डर होता है कायरों को और बुजदिलों को, बहादुरों को नहीं डर होता है, सूरवीरों को नहीं होता है। मैं सूरवीर की पत्नी हूँ, मैं साहसी वाली की पत्नी हूँ, मुझे क्यों डर लगने लगा? अरे मरना है तो मरना तो है ही, एक दिन दूसरे के हाथ मरे तो क्या और अपनी मौत मरे तो क्या, पर शहीदों की जैसी जिंदगी जिएंगे, शहीद होकर के रहेंगे, भगोड़े होकर के नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे फौज के सिपाही की तरह से। फौज का सिपाही जब भगोड़ा होता है तो क्या होता है, कोर्ट मार्शल होता है, उसकी बेइज्जती होती है। हमने कहा हम न भगोड़े कहलाएंगे, न कोर्ट मार्शल होगा, और न मैंने कहा हमारी बेइज्जती होगी। हम जिस शानदार के साथ जुड़े थे वही हम शानदार काम करते हुए चले जाएंगे, वो अंत तक हमारी प्रतिज्ञा है। आपने प्रतिज्ञा आज ली है, और मैंने प्रतिज्ञा ली 1984 में प्रतिज्ञा ली थी। आपको नहीं मालूम है मैं कभी भी न माइक के सामने आई थी, न मैं किसी से ज़्यादा बात करती थी, लेकिन एक घटना मेरे सामने ऐसी घटी गई जो मेरा दिल दहला गई। मैं एक बार हमारे गुरुजी जा रहे थे तो एक कुत्ता मरा पड़ा था, मुझे उल्टी होने लगी, और वो उतरे और सामने एक झोपड़ी थी, गिलास लेकर चलते थे। मैं जाती थी यहाँ गंगा जी के दर्शन करने जाया करते थे, एक पौन घंटा आना पौन घंटा जाना, और बाकी का अपना 15 मिनट में बैठते थे, गिलास लेकर के जरूर चलते थे कि न मालूम कब जरूरत पड़ जाए इनके लिए। ये तो बड़ी बहुत भावुक भी हैं और जरा वैसी भी हैं। अब मैंने कुत्ते को देख के मुझे उल्टी होने लगी और घबराहट, मुझे चक्कर आ गया। वो उतरे और उतर करके उस कुटिया में से एक झोंपड़ी थी वहाँ से पानी मांग के एक महिला से पानी लाए कि माता जी जरा पानी देना गिलास में, और मुझे रिक्शे में पहलाए। पहले हमारे पास रिक्शा था, अभी भी रखा है वो थाती के रूप में, गाड़ी में तो अब चलते हैं, हम गाड़ी में नहीं चले कभी, रिक्शे में चले, यहाँ से वहाँ तक रिक्शे में जाते थे। मैंने रिक्शे में जो आनंद है, गाड़ी में क्या आनंद है, गाड़ी है तो मिशन के पास है, हमें क्या मतलब, हम तो इसी में चलेंगे। जो नारी एक कुत्ते की मौत को देख करके इतनी द्रवित हो सकती है, और जिसके पति पर प्रहार हुआ हो उस खून को कैसे देखेंगे? पर हिम्मत से मुकाबला किया, पूरे समय तक जब तक ये प्रणव ने टांके नहीं लगाए तब तक मैं हाथ को लिए हाथ पे ही बैठी रही, और मैंने उस खून की कसम खाई। मैंने कहा हमें न तोपों से डर है और न तलवारों से डर है, न हमें बंदूकों से डर है, न हमें किसी से डर है, हम चलेंगे आगे आगे, देखे कौन रोकता है, कोई नहीं रोक पाएगा हमें, हम अपनी बात कहेंगे, हम अपने परिजनों से कहेंगे,
हम ये कहेंगे कि सांस की अंतिम सांस तक, खून की अंतिम बूंद तक हमें सारे विश्व का कार्य करना है। जब तुम्हारी माँ ने प्रतिज्ञा की है तो तुम प्रतिज्ञा क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी माँ जिंदा है कि नहीं है? है बेटे, हम ऐसे रहे कि एक दिन भी नहीं बिछड़े, एक दिन का ऐसे कहते हैं। और अब 2 साल हो गए शरीर को छोड़े, शरीर का मुझे आता हुआ कि नहीं आता हुआ, पत्थर तो नहीं हूँ मैं, लोहा तो नहीं कोई, तो कोई पाषाणों के मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है वो भी पड़ता है, लेकिन फिर मैं समझ जाती हूँ, अरे जी किसके लिए, मट्टी के लिए रो रहा था, अरे उस चेतना को धारण कर, उस शक्ति को धारण कर जो तेरे अंदर पूर्णता है, वो समा गई है, अरे उसे याद क्यों नहीं करती है, इसे याद कर रही है? नहीं, ये तो हमारा मोह है, ये हमें मोह रुलाता है। वो कर्तव्य कहता है कि हमको आगे आगे चलना चाहिए, काम करना चाहिए, कर्तव्य हमको सिखाता है, हमने कर्तव्य को याद रखा है, और कर्तव्य को ही याद रखेंगे, और कर्तव्य के ही साथ हमारी इस दुनिया से विदाई हो जाएगी। आप भी उसमें बंधे हैं, कर्तव्य में, कर्तव्य करिए आप। इस दुनिया में अज्ञानता जो छाई हुई है, आखिर ये विकृतियाँ हैं समाज की, दहेज से लेकर के मृत्यु भोज तक, और मद्यपान से लेकर अनेक जो विकृतियां हैं जिनमें खून खराबियां भी शामिल हैं, उनको हम सहजता समझाएं, उनकी ठोड़ी में हाथ डाल करके समझाएं, उनसे हम कहें कि भाई साहब इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई लाभ नहीं है, इससे हानि है, इससे हानि है, हम सैकड़ों को मार देंगे तो कभी हम भी तो मरेंगे, तो क्यों किसी की खून खराबी करते हैं? मिल क्या जाएगा हमें? धिक्कारता मिलेगी और बददुआएं मिलेंगी, हजारों की और लाखों की बददुआएं मिलेंगी, तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे। ये उनको हमें समझाना है। ये आपने जो प्रतिज्ञा आज ली है, जिस रज में, जिस मिट्टी में वो पले, जिस जननी ने उनको पैदा किया, उस जननी को भी लाख लाख प्रणाम, और जिस मिट्टी में पल करके इतने बड़े हुए और उस मिट्टी को उन्होंने इस तरीके से धारण किया, हे मातृभूमि मैं शपथ लेता हूँ इस मिट्टी की कि अपनी मातृभूमि के लिए मैं बलिदान हो जाऊँगा। तो उन्होंने जिस तरीके से लावी तट पर स्वतंत्रता संग्राम में शपथ ली गई थी और उसमें स्वतंत्रता सेनानी खड़े हो गए, एकजुट होकर के खड़े हो गए, उन्होंने अपनी मातृभूमि की शपथ ली और आवलखेड़े की मिट्टी को हाथ में लेकर के उन्होंने भुजा उठा करके शपथ ली। जिस तरीके से राम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसको विहीन कर दूंगा लेकिन मेरा प्राण नहीं जाएगा, चौपाई तो मुझे याद नहीं रही है पर उसका तात्पर्य यही था, भुज उठाए प्रण कीजिए, भुजा उठा करके प्रण किया, आया पंच तत्व से बनी हुई काया है, तो पंच तत्वों में तो विलीन होनी होनी, अमर होकर कौन आया है? अमर होकर तो कोई नहीं आए, जो शरीर धारण जिनने किया है देवत्व में भगवान के स्वरूप में, उन्हें भी जाना ही पड़ा है, तो सबको जाना है, लेकिन कुछ करते हुए होकर के उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर गुरु जी चलते रहे। आज उस माटी की सौगंध आपको दिलाई गई है, आपको वो तो प्रतिज्ञा पढ़ करके सुनाई गई थी, मैं अपनी ओर से कहती हूँ सौगंध है तुम्हें उस माटी की जिसकी आज आपने शपथ ली है, इसको कड़े दिल से पालन करना इसका, इसी में तुम्हारी बहादुरी है और इसी में आपका गौरव भी है,
गौरव है, बहादुरी है। आप हमारे कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके चलिए, अपनी माँ की तरफ देख करके चलिए। हम आपका साहस बढ़ाते हैं तो कम से कम माँ की ओर भी तो देखिए निहार के कि माँ क्या कह रही है, हमें क्या करना चाहिए, इसका सहयोग करें कि इसको वैसे ही बैठी रहने दें, नहीं सहयोग करने देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की थी अंत तक, हम वो सेवा तो आपसे नहीं करा रहे हैं कि आप हमें कंधे पर रख के चले। कंधे पर रख के तो नहीं चलेंगे, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो तो आप करिए, वो तो आपको करना चाहिए, तो आप करेंगे भी, और नहीं करेंगे तो बेटे प्रकृति का डंडा ऐसा पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा महाकाल का डंडा कि आप तड़ी बड़ी हो जाएंगे, फिर आप तड़ी बड़ी हो जाएंगे। आप ये मान के चलना, प्रकृति का एक और महाकाल का दो और गुरुजी का हमारा चार, समझ ले इतने डंडे पड़ेंगे। आपको करना चाहिए, वैसे नहीं करेंगे हम आपको झकझोरेंगे, आपकी नींद हराम कर देंगे, आपको सोना हराम कर देंगे, ये मान के चलना आप। जब आप करते रहेंगे तो आपको फिर दुलारते रहेंगे, जब आप सोएंगे तो आपका हम सिर सहलाएंगे, हमारा बच्चा काम करते करते थक गया है, ये थक गया है, इसके सिर को सहलाना चाहिए ताकि इसको अच्छी नींद आ जाए। बेटे आप हमारे दिल के टुकड़े हैं, हम कैसे अपना दिल आपको खोल करके दिखावें? हम हनुमान तो है नहीं तो खोल के दिखा दें कि सीता और राम भी बैठे, नहीं बेटे ऐसा तो हम है नहीं, और हम और भी नहीं हैं, पर ये बात जरूर है कि सच्चे अर्थों में माँ जरूर, जो भी आपकी कष्ट और कठिनाई होगी उसमें भरसक प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे, और जिसका प्रारब्ध ही है ऐसा लौट गया है वो तो हमसे नहीं टलेगा भाई, वो तो हमसे टलेगा नहीं, और बाकी की आपकी मदद हर क्षण होती रहेगी। आप अनुभव करेंगे कि गुरुजी और माताजी हर समय हमारे साथ साथ हैं, हमारे दुख में, हमारे सुख में, सुख में चाहे हम भागीदार नहीं हैं पर आपके दुख में, आपके कष्ट में हम जरूर भागीदार हैं। हर समय आप अनुभव करेंगे दाएं और बाएं, आगे और पीछे, जिस तरीके से पार्वती को राम ही राम दिखाई पड़े थे, वो परीक्षा लेने गई थी, उस बात प्रसंग को मैं नहीं फैला रही हूँ, राम ही राम दिखाई पड़ रहे थे, आप देखेंगे तो आपको गुरुजी माताजी दोनों ही दिखाई पड़ेंगे कि दोनों ही हमारे साथ साथ हैं। अरे क्या बिगड़ेगा हमारा, कुछ नहीं, हम बड़े बलशाली हैं, हमारे अंदर बड़ा शक्ति, बहुत शक्ति भरी पड़ी है, हमारे अंदर बल भरा पड़ा है, तो हम आज उस तरीके से आपकी शक्ति को ललकार रहे हैं जिस तरीके से राम ने हनुमान की शक्ति को ललकारा था, और ये कहा था अरे बंदर तुझे अपनी शक्ति का भान नहीं है, तेरे अंदर इतनी शक्ति भरी पड़ी है फिर भी तू दुर्बल का दुर्बल ही रह गया, नहीं तू अब हमसे जुड़ गया है तो तू प्राणवान बन, शक्तिशाली बन। जब उसकी शक्ति को झकझोर दिया गया तो कहते हैं लंका पार करे आए, वो लंका ही पार नहीं करे आए, आग भी लगाए आए और सीता की सुध भी ले आए और जाने क्या क्या करे आए, सब करके आए, जो कि शक्ति को झकझोरना भी एक काम है, हम आपकी शक्ति को झकझोरेंगे। आप शक्ति का लेने का प्रयास आप करना, शक्ति को आप लेने का प्रयास करेंगे तो जैसे हम हैं वैसे आप ढलते हुए चले जाएंगे। हमें विश्व मानव की सेवा करनी है, हमें विश्व मानव, हमने वो भगवान नहीं देखा है जो सारे जगत में व्याप्त है, वो तो एक नियमन कहना चाहिए, एक नियम कहना चाहिए, पर एक भगवान हमने जरूर देखा है, वो है विश्व मानव के रूप में भगवान, उसकी सेवा हमको सतत करनी चाहिए और हम करते रहेंगे। एक बार पुनः मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस माटी की आपने आप शपथ ली है उसको माटी मत समझना,
उसको आप प्राण समझना, उसको हृदय से लगाना, उसको पूजा के स्थान पर रखना और बार बार विचार करना कि इस माटी से हमारे गुरु ने प्रेरणा ली थी, इस माटी को लेकर के उन्होंने शपथ ग्रहण की थी कि हम सारे विश्व का कल्याण करने में कोई भी कसर हम नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी एक गीत, विदाई गीत मैं गाऊंगी। जैसे कोई धैन लवाई शिशु की पीड़ा सही न जाई, जैसे कोई धैन लवाई शिशु की पीड़ा सही न जाई, ऐसी विषम वेदना छाई, ऐसी विषम वेदना छाई, कैसे दे हम तुम्हें विदाई, कैसे दे हम तुम्हें विदाई, जैसे कोई धैन लवाई शिशु की पीड़ा सही न जाई, ऐसी विषम वेदना छाई, ऐसी विषम वेदना छाई, कैसे दे हम तुम्हें विदाई, कैसे दे हम तुम्हें विदाई। तुमने कोट पूर्ण फल पाए चल कर बहुत दूर से आए, चेहरे थके हुए मुरझाए फिर भी है उल्लास समाए, तुमने कोट पूर्ण फल पाए चल कर बहुत दूर से आए, चेहरे थके हुए मुरझाए फिर भी है उल्लास समाए, गुरु साता ने टेर लगाई तुमने मिलकर शपथ उठाई, गुरु साता ने टेर लगाई तुमने मिलकर शपथ उठाई, पथ में आएंगी कठिनाई, पथ में आएंगी कठिनाई, कैसे दे हम तुम्हें विदाई, कैसे दे हम तुम्हें विदाई, जैसे कोई धैन लवाई शिशु की पीड़ा सही न जाई, ऐसी विषम वेदना छाई, ऐसी विषम वेदना छाई, कैसे दे हम तुम्हें विदाई,
कैसे दे हम तुम्हें विदाई, जग में पीड़ा बढ़ती जाती, आँखें हैं भर भर कर आती, दुनिया नहीं समझ कुछ पाती, शांत कहाँ से मन में आती। जग में पीड़ा बढ़ती जाती, आँखें हैं भर भर कर आती, दुनिया नहीं समझ कुछ पाती, शांति कहाँ से मन में आती। हमने सारी शक्ति लगाई, ऐसी ज्योति अखंड जलाई, हमने सारी शक्ति लगाई, ऐसी ज्योति अखंड जलाई, हाथ में तुम्हें मसाल थमाई, कैसे दें हम तुम्हें विदाई, हाथ में तुम्हें मसाल थमाई, कैसे दें हम तुम्हें विदाई, कैसे दें हम तुम्हें विदाई, जैसे कोई धैनु लवाई, शिशु की पीड़ा सही न जाई, ऐसी विषम वेदना छाई, ऐसी विषम वेदना छाई, कैसे दें हम तुम्हें विदाई, कैसे दें हम तुम्हें विदाई। कल का दिन ऐसा आएगा, सूना आंगन हो जाएगा, मन रोएगा पछताएगा, अंधकार सा छा जाएगा, कल का दिन ऐसा आएगा, सूना आंगन हो जाएगा, मन रोएगा पछताएगा, अंधकार सा छा जाएगा। हमको देने लगी दिखाई अपनी पीड़ा की परछाई, हमको देने लगी दिखाई अपनी
अपनी पीड़ा की परछाई। है दोनों आँखें भर आई, है दोनों आँखें भर आई, कैसे दे हम तुम्हें विदाई, कैसे दे हम तुम्हें विदाई। जैसे कोई धैनु लवाई, शिशु की पीड़ा सही न जाई, ऐसी विषम वेदना छाई, ऐसी विषम वेदना छाई, कैसे दे हम तुम्हें विदाई, कैसे दे हम तुम्हें विदाई। साथ में है गुरुदेव तुम्हारे, अपनी हिम्मत कभी न हारे, पग भी पीछे कभी न डारे, फिर से यह संसार सुधारे। साथ में है गुरुदेव तुम्हारे, अपनी हिम्मत कभी न हारे, पग भी पीछे कभी न डारे, फिर से यह संसार सुधारे। देव संस्कृति है अकुलाई, जाए शपथ न कभी भुलाई। देव संस्कृति है अकुलाई, जाए शपथ न कभी भुलाई। है यह शुभ कामना सुहाई, है यह शुभ कामना सुहाई, कैसे दे हम तुम्हें विदाई, कैसे दे हम तुम्हें विदाई। जैसे कोई धैनु लवाई।